ये वोट बैंक की सियासत है, ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जाति धर्म समुदाय अमीर। बंगाल में विधानसभा चुनाव का माहौल बना तो एक बार फिर बीजेपी ने बनगांव को चुना। पिछले साल नवंबर में अमित शाह मतुआ समुदाय के मंदिर में दर्शन किए, परिवार वालों से मिले, घर में खाना खाया और यहां के लोगों के लिए वादों का पिटारा खोल कर गए। दीदी भी मतुआ समुदाय के वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती। अमित शाह के दौरे के अगले ही महीने ममता बनर्जी ने बेतगांव का दौरा किया और मतुआ समुदाय के लोगों के बीच पहुंचकर उनका दिल जीतने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने मतुआ के वोट बैंक में सेंध लगाई। ममता ने पहली बार इस समुदाय को एक वोट बैंक के तौर पर विकसित किया। वो ममता ही थी जो पहली बार बोडो माँ के परिवार को राजनीति में लेकर आई। साल 2014 में बीना पानी देवी के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बनगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। साल 2015 में कपिल कृष्ण ठाकुर के निधन के बाद उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर ने उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर ये सीट जीती थी। लेकिन 2019 आते आते समीकरण बदलने लगे। बीजेपी के सीसीए और एनआरसी के कार्ड ने मतुआ समुदाय के लोगों का रुख कमल की तरफ खिसका दिया। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं। इनमें 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के आसपास आने वाली 40 सीटों पर मतुआ समुदाय का सीधा असर है। दरअसल मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से बंगाल आए थे, ऐसे में इनके सामने नागरिकता एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और जब बीजेपी ने नागरिकता कानून का ऐलान किया तो समुदाय ने बीजेपी को हाथों हाथ लिया। हर कोई मतुआ समुदाय को खींचने की कोशिशों में लगा हुआ है। मतुआ समुदाय से जुड़े कई ऐलान राजनीतिक पार्टियों ने किए हैं। ममता ने मतुआ समुदाय के लिए 10 करोड़ रुपए के एक विकास बोर्ड की घोषणा की। गौरी और बागड़ी दलित जातियों के लिए 5-5 करोड़ के अलग विकास बोर्ड भी बनाए। ममता सरकार ने 2020-21 के बजट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वृद्धों को पेंशन के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि दी। वहीं बीजेपी ने मतुआ समुदाय के लोगों को CAA के तहत नागरिकता देने का ऐलान किया। लोक गायकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भत्ता देने का वादा भी किया गया है। बंगाल के चुनाव में एम फैक्टर का जोर है। ममता, मोदी, मुस्लिम और मतुआ, जहां इस बार मतुआ बंगाल की दिशा तय करने में अहम रोल निभाने वाले हैं। बांग्लादेश के गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।